Hello boys and girls, welcome back to my channel. Today we are going to start relative motions 2D. ठीक है, तो relative motion 2D का अंदर में एक पार्ट होता है रेन मैन का प्रॉब्लम. ये प्रॉब्लम को कैसे करके सॉल्व करना है वही आज हम लोग देखेंगे. सबसे पहले हम लोग अपना कॉमन सेंस से ये रेन मैन का प्रॉब्लम कर सकते हैं. जैसे कि बारिश कितना एंगल में हो रहा है, तो हमको छतरी कितने एंगल में पकड़ना है, मतलब हम कितने एंगल में छतरी को पकड़ने से हम नहीं भीगेंगे. ठीक है ना, तो सबसे पहले रेन मैन का प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले हम लोग को जो जान लेना चाहिए वो क्या है. एक्स एक्सिस का तरफ जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम आई से डिनोट करते हैं. वाई एक्सिस के तरफ जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम लोग जे से डिनोट करते हैं. ठीक है, 2D मतलब प्लेन पर, कोई भी प्लेन पर जो कुछ मोशन हो रहा है. ठीक है ना, पकड़ लो, तुमको दिया हुआ है यहाँ वेलोसिटी ऑफ रेन, यहाँ पे दिया हुआ है 3i-4j, और यहाँ पे दिया ही है वेलोसिटी ऑफ मैन -i. तो तुमको निकालना है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन. क्या है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन. ये प्रॉब्लम में, रेन मैन का जो प्रॉब्लम होता है उसमें सबसे जरूरी होता है एक चीज पहचानने के लिए. सबसे पहले हम लोग रेन को देखते हैं, रेन हमको नहीं देखते हैं. ठीक है ना, तो जब भी हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी निकालेंगे रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, मैन विथ रिस्पेक्ट टू रेन नहीं. ठीक है ना, तो हम लोग पहले ही रिलेटिव वेलोसिटी का जो फॉर्मूला पढ़े थे VRM, तो उसका फॉर्मूला क्या था, जो पहले VR माइनस VM होता है. ठीक है ना, VR यहाँ पे कितना दिया हुआ है 3i-4j, और यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ मैन कितना दिया हुआ है -i. तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया 3i-4j -+i. तो देखो यहाँ पे टोटल कितना हो गया 4i-4j. ठीक है, तो इसको पहले ड्रॉ कर लो. ये क्या है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन. तो इसको ड्रॉ करने से 4i है, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ 4, और नेगेटिव एक्स वाई एक्सिस की तरफ है बोल के -4 को डिनोट कर दिया यहाँ पर. ठीक है ना, ये क्या हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन. अभी हमको बोला गया है कितने एंगल पे छतरी पकड़ने से हम नहीं भीगेंगे. तो ये क्या है रिजल्टेंट रेन मैन का प्रॉब्लम में. और एक तो इम्पॉर्टेंट चीज याद रखना है, जो रिजल्टेंट होगा उसी का ऑपोजिट डायरेक्शन पे हमको छतरी पकड़ना है. तो ये अगर रिजल्टेंट हो गया तो इसका ऑपोजिट डायरेक्शन क्या हो गया ए, तो इस एंगल पे हमको छतरी पकड़ना है. और एक क्या चीज देखना है, बारिश हमेशा हॉरिजॉन्टल नहीं होता है, हर टाइम वर्टिकली होता है. मतलब जो एंगल होगा रिजल्टेंट के साथ वर्टिकल का जो कंपोनेंट है उसी का साथ एंगल बनाएगा. मतलब ए है थीटा, तो यहाँ पे देखो 4 को अगर ट्रांसपोज किया जाए, ट्रांसपोज मतलब वेक्टर का पैरेलल शिफ्टिंग, कोई भी वेक्टर को अगर पैरेलल शिफ्ट किया जाए, इसको अगर पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ पे लेके आना है तो वेक्टर विल नॉट चेंज, मतलब ए 4 होने से ए भी 4 हो जाएगा. तो अभी यहाँ से आराम से हम निकाल सकते हैं इसका एंगल टेन थीटा, मतलब हम लोग जानते हैं परपेंडिकुलर बाई बेस. यहाँ पे परपेंडिकुलर देखो कितना है 4 इस एंगल के रेस्पेक्ट पे, और बेस क्या है 4, तो हो गया 1. टेन थीटा का वैल्यू 1 कब होता है, टेन 45 डिग्री पर.
सो एंगल कितना है 45 डिग्री। तो हम अगर छतरी को 45 डिग्री एंगल पे रखते हैं तो हम नहीं भीगेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखो ये जो प्रॉब्लम दिया गया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया है, वेलोसिटी ऑफ रेन दिया है 50 किलोमीटर पर आवर। ए मैन रेस्ट में है, मतलब मैन किसके साथ रेस्ट में है, ग्राउंड के साथ मेरे रेस्ट में है। मतलब यहाँ पे देखो वेलोसिटी ऑफ रेन कितना हो गया, नीचे की तरफ गिर रहा है मतलब नेगेटिव वाई डायरेक्शन, मतलब क्या हो जाएगा -50J, ठीक है। और यहाँ पे देखो वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है 0। हमको निकालना क्या है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। मतलब हमको निकालना है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। इसका फॉर्मूला क्या है, Vr माइनस Vm, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो Vr कितना है -50J और वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है यहाँ पे 0। तो यहाँ पे कितना हो गया -50J, ठीक है ना। तो इसी का हम लोग को रिजल्टेंट निकालना है। तो देखो 50 नीचे की तरफ हो रहा है, मतलब हमको छतरी कहाँ पे खोलना है, इसका ऑपोजिट डायरेक्शन पर, ठीक है, हो गया। यहाँ पे देखो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन निकल के आ गया। यहाँ पे देखो अभी ए प्रॉब्लम पे दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ रेन कितना है 50 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे राहुल बाइक चला रहा है 40 किलोमीटर पर आवर पे, और राहुल का पीछे कौन बैठा हुआ है, सिमरन बैठा हुआ है। तो सिमरन कितने एंगल पे छतरी पकड़ने से राहुल नहीं भीगेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो यहाँ पे गिवन क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले देखो दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ रेन कितना है 50। बारिश हमेशा नीचे की तरफ ही होता है, मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस, मतलब यहाँ पे हो जाएगा -50J। और यहाँ पे राहुल का वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी ऑफ राहुल 40 किलोमीटर टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, मतलब 40i। तो यहाँ पे हमको निकालना है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू राहुल। तो यहाँ पे देखो वी आर माइनस वी राहुल, वी आर कितना है -50i और राहुल क्या कितना है 40i, हो गया। तो सबसे पहले इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। यहाँ पे देखो -50i मतलब इस तरफ, और सॉरी ये जे है तो ये हो जाएगा 40 i और माइनस जे मतलब 50 नीचे की तरफ, ठीक है ना। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, यही है रिजल्टेंट इसका। तो रिजल्टेंट जिस तरफ होता है छतरी हमेशा उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में पकड़ना होता है, और एंगल किसका रिस्पेक्ट में होता है, वर्टिकल कंपोनेंट का रिस्पेक्ट में, मतलब यह है एंगल। तो 40 को ट्रांसपोज करके यहाँ पे लेके आ जाओ, तो ये हो गया कितना 40। तो टोटल कितना हो गया देखो, कितना एंगल पे छतरी पकड़ना पड़ेगा, सो tan theta इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब 40/50 कितना हो गया, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 4/5। तो इतना एंगल पे छतरी अगर सिमरन पकड़ के रखेगी तो राहुल नहीं भीगेगा, ठीक है ना। अभी ये वाला सवाल पे देखो, इससे पहले वाला जो सवाल किए थे सब में बारिश वर्टिकली हो रहा था, अभी देखो बारिश हो रहा है 37 डिग्री एंगल पर, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, तो रेन का वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 30 किलोमीटर पर आवर,
और बाइक में राहुल कितना स्पीड में बाइक चला रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर पर। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ें निकालना है, कितने एंगल पे छतरी को रखने से राहुल नहीं भीगेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो रेन कितना वेलोसिटी में गिर रहा है, 30 किलोमीटर पर आवर पर, और एंगल कितना है हॉरिजॉन्टल के साथ, 37 डिग्री। सबसे पहले इसको तोड़ दो, कंपोनेंट में ब्रेक कर दो। हम लोग पहले भी सीख चुके हैं जिस तरफ थीटा होगा उसी तरफ कॉस थीटा होगा, राइट। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, cos 30 cos 37 डिग्री, और वर्टिकली कितना हो जाएगा, 30 sin 37 डिग्री, ठीक है। cos 37 का वैल्यू कितना है, 4/5, 5/6 = 24, और यहाँ पे कितना हो रहा है, 3/5। साइन 37 का वैल्यू कितना है, 3/5, 5/6 = 18। तो यहाँ पे देखो वेलोसिटी ऑफ रेन कितना हो रहा है, पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ 24 i cap, और नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ 18 - 18 j cap। और यहाँ पे देखो वेलोसिटी ऑफ राहुल कितना है, 40 किलोमीटर टुवर्ड्स x डायरेक्शन, 40 i, ठीक है। तो हमको निकालना है क्या, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू राहुल। तो यहाँ पे देखो वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ राहुल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वेलोसिटी ऑफ रेन कितना है, 24i - 18j - ऑफ राहुल कितना है, 40i। तो टोटल कितना हो गया यहाँ पे, -16i - 18j, ठीक है। तो यहाँ पे इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, -16 मतलब एक्स एक्सिस का नेगेटिव के तरफ 16 है मैग्नीट्यूड, और नेगेटिव जे मतलब वाई एक्सिस का नेगेटिव पे है 18। तो दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, यहाँ पे इसका रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट के एंगल कितने में लेना होता है, वर्टिकल कंपोनेंट के साथ रिजल्टेंट का एंगल, मतलब ये है थीटा, रिजल्टेंट है मतलब छतरी को हमको पकड़ना है इसका अपोजिट डायरेक्शन पर, ठीक है। तो 16 को ट्रांसपोज करके यहाँ पे लेके आओ, तो ये भी हो गया 16। तो अभी यहाँ से टेन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब 16/18, 8/9। सो थीटा इक्वल टू हो गया टेन इनवर्स 8/9, मतलब इतने एंगल से अगर छतरी को पकड़ के रखेंगे तो राहुल नहीं भीगेगा, ठीक है ना। इसको हम लोग दूसरे और एक मेथड से भी कर सकते हैं, ये तो फार्मूला से हम लोग किया, ठीक है ना। इसको हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से भी कर सकते हैं, देखते हैं कैसे करते हैं। जब हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी 1D पढ़े थे तब एक चीज सीखे थे, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, जो दूसरे स्थान पे रहता है, मतलब यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, क्या सिखाए थे हमने, किसी को रिस्पेक्ट देना होता है तो उसको कहाँ पे बैठाते हैं हम लोग, चेयर पे बैठाते हैं ना, मतलब दूसरे पोजीशन में जो रहेगा उसको रेस्ट में लेके आना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहले इसका अगर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ करते हैं, किसका, वेलोसिटी ऑफ रेन का, 24i, 24 इस तरफ, j नेगेटिव की तरफ, मतलब 18, ठीक है। ये क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ रेन का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो गया।
अभी देखो वेलोसिटी ऑफ मैन का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, मतलब राहुल का 40i, मतलब इस तरफ। तो अभी हमको निकालना है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू राहुल। राहुल दूसरे स्थान पे है, मतलब राहुल को हमको रेस्ट में लेके आना है। 40 अगर इस तरफ हो रहा है, इस तरफ भी हम अगर 40 दे देते हैं तो दोनों कैंसिल हो गया, मतलब राहुल रेस्ट में आ गया। यहाँ पे भी 40 देना सही, यहाँ पे भी तुमको 40 देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नेट कितना हो गया, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर 16 और नीचे की तरफ कितना है 18। यही तो इसका रिजल्टेंट है, मतलब v वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू राहुल। तो यहाँ पे देखो एंगल कितना है थीटा, इसको ट्रांसपोज करके लेके आओ, तो यहाँ पे भी टेन थीटा इक्वल टू क्या हो रहा है 16/18, मतलब 8/9। कोई भी प्रोसेस से करें आंसर हमारा सेम ही आएगा, ठीक है। एग्जाम पे करने के लिए पिक्टोरियल रिप्रेजेंट सबसे आसान तरीका है, ठीक है ना। अगर किसी को समझ में नहीं आता है वो फॉर्मूले यूज करके कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखो दिया गया है रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ वेलोसिटी 10 meter। इसका मतलब क्या है, रेन फॉल कर रहा है वर्टिकली, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन दिया हुआ है कितना 10 meter, नीचे की तरफ गिर रहा है, मतलब क्या होगा -10j। यहाँ पे एंड अ मैन इज मूविंग विद वेलोसिटी 6 meter per second। तो यहाँ पे देखो वेलोसिटी ऑफ मैन कितना दिया हुआ है 6 meter per second, मतलब 6i। क्या निकालना है, फाइंड द एंगल एट विच द मैन शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला टू अवॉइड रेन, मतलब कितने एंगल पे छतरी को पकड़ने से आदमी नहीं भीगेगा। तो रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्टेंट मतलब क्या है VRM निकालना है, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं VRM, मतलब ये हम पहले फार्मूला से कर रहे हैं, उसके बाद पिक्टोरियल रिप्रेजेंट से भी करेंगे VR-VM। तो R कितना है यहाँ पे देखो -10j और m कितना है -6i। तो ये टोटल कितना हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। तो इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ड्रा करो, मतलब 10 नीचे के तरफ -6i, मतलब इस तरफ हो गया। तो ये हो गया इसका रिजल्टेंट, रिजल्टेंट जहाँ पे होगा उसका ऑपोजिट डायरेक्शन पे छतरी पकड़ना होता है, और एंगल कैसे लेना है वर्टिकल के साथ, वर्टिकल कंपोनेंट के साथ, क्यों बारिश हमेशा वर्टिकली होता है इसीलिए। तो इसको ट्रांसपोज करो, यहाँ पे लेके आना है 6। तो यहाँ पे देखो 10 theta, मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ पे 6/10, मतलब 3/5 है कि नहीं। सो थीटा हो गया 10 inverse 3/5। तो इतना एंगल से पकड़ने से आदमी नहीं भीगेगा। अभी करेंगे इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अभी देखो सेम चीज करेंगे लेकिन थोड़ा डिफरेंट वे से, और कितना फास्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो वेलोसिटी ऑफ रेन कितना दिया हुआ है यहाँ पे नीचे की तरफ, मतलब 10, एक क्या दिया हुआ है रेन का वेलोसिटी, और मैन का वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 6। तो हमको निकालना है रिजल्टेंट, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन। दूसरे स्थान पे कौन है मैन, मतलब मैन को रेस्ट पे लेके आना है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन पे भी 6 दो, यहाँ पे 6 देने से यहाँ पे भी 6 देना पड़ेगा, ठीक है। तो ए कैंसिल हो गया, तो रिजल्टेंट क्या हो गया, ए हो गया रिजल्टेंट, छतरी पकड़ना है रिजल्टेंट का अपोजिट डायरेक्शन पे, ए हो गया थीटा,
सो tan theta इक्वल टू ट्रांसपोज करके लेके आओ यहाँ पे 6, 6 by 10 मतलब 3/5, सो theta इक्वल टू tan inverse 3/5 हो गया। देखो इससे पहले जो न्यूमेरिकल हम लोग कर रहे थे वहाँ पे मैं पिक्चर ड्रॉ कर दे रहा था, आप लोग कर रहे थे। अभी यहाँ पे देखो कॉम्प्रिहेंशन टाइप में जो एग्जाम पे जैसा रहेगा तो वैसे टाइप का प्रॉब्लम कैसे हैंडल करेंगे देखो, ठीक है। पिक्चर अगर हमने ड्रॉ कर दिया तो आधा न्यूमेरिकल हो ही गया, ठीक है ना, लेकिन एग्जाम पे तुमको ही पूरा करना होता है, मतलब कॉम्प्रिहेंशन से पिक्चर भी तुमको ही ड्रॉ करना पड़ता है। तो इसीलिए प्रैक्टिस करो हमेशा जो कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चन है उसी को लेके। अभी देखो ए प्रॉब्लम पे क्या दिया हुआ है, अ मैन मूविंग विथ 5 meters per second ऑब्जर्व्स रेन फॉलिंग वर्टिकली एट द रेट ऑफ 10 meters per second। तो यहाँ पे देखो मैन मूविंग विथ 5 meters per second मतलब यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ मैन कितना दिया हुआ है 5i। एक यहाँ पे प्रॉब्लम पे एक वर्ड पे गौर करो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ऑब्जर्व्स, मतलब आदमी रेन को देख रहा है। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, रेन तो आदमी को नहीं देख सकता है, तो यहाँ पे देखो मैन ऑब्जर्व्स रेन फॉलिंग वर्टिकली मतलब नीचे की तरफ हो रहा है, कितने रेट पे 10 meters per second मतलब -10J। ए लेकिन वेलोसिटी ऑफ रेन नहीं है, हमको निकालना क्या है फाइंड द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब हमको निकालना है वी आर निकालना है, ठीक है, और एंगल निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो वी आर एम मतलब हम लोग क्या जानते हैं वी आर माइनस वी एम, वी आर निकालना है, वी आर एम कितना है -10J और वी एम कितना है 5i। तो वी आर कितना हो गया, इसको इस तरफ लेके आओ, मतलब 5i -10J हो गया। अभी यहाँ पे क्या बोला गया है फाइंड द स्पीड एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन यहाँ पे रेन का रेस्पेक्ट पे ग्राउंड है, तो यहाँ पे इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ड्रा करो, ये क्या है 5 और नीचे की तरफ क्या है 10, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा ए, तो इसका एंगल कितना होगा यहाँ पे 5 को ट्रांसपोज करके इस तरफ लेके आओ, तो tan theta इक्वल टू क्या हो गया 5/10 मतलब हाफ, सो थीटा इक्वल टू हो गया tan इनवर्स 1/2 हो गया। ये वाला प्रॉब्लम देखो, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है। क्या दिया हुआ है, अ मैन रनिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड एट 8 km/h मतलब यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ मैन कितना दिया हुआ है 8i। मैन क्या देख रहा है द रेन फॉलिंग वर्टिकली मतलब बारिश नीचे की तरफ हो रहा है, यहाँ पे बारिश का कोई भी मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दिया नहीं हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ रेन को एज्यूम कर लो xi-yj, ठीक है, दिस इज एज्यूम्ड वैल्यू, ठीक है। क्या दिया हुआ है ही इंक्रीज हिज स्पीड टू 12 km/h मतलब आदमी जब उसका स्पीड 12 km/h करेगा तब वो रेन को कितना एंगल में देख रहा है 30° विद वर्टिकल पे देख रहा है, हमको निकालना है क्या है स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द रेन विथ रिस्पेक्ट टू रोड, ये रोड जो है वही है ग्राउंड। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं वी आर का, x ये है y, ये किसका है वेलोसिटी ऑफ रेन का, और मैन का कितना है
8 है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका ऑपोजिट मैन को रेस्ट करना पड़ेगा, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में 8 डालना पड़ेगा फिर, तो यहाँ पे भी 8 होगा। यहाँ पे देखो क्या बताया गया, द रेन फॉलिंग वर्टिकली, मतलब आदमी देख रहा है रेन वर्टिकली फॉल हो रहा है, मतलब यहाँ पे कोई इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं रहेगा, मतलब x का वैल्यू 8 होने से ही तभी हॉरिजॉन्टल पार्ट कैंसिल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो x का वैल्यू यहाँ पे देखो, दो अननोन वेरिएबल था, एक मिल गया हमको x इक्वल टू 8, ठीक है। तो अभी हम रेन का वेलोसिटी क्या लिख सकते हैं, 8 नीचे की तरफ y, ठीक है। अभी आदमी का वेलोसिटी क्या हो गया, 12 किलोमीटर, तो इसको रेस्ट करने के लिए इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में 12 देना पड़ेगा, यहाँ पे भी 12 होगा तो यहाँ पे भी 12 देना पड़ेगा, तो नेट कितना हो गया यहाँ पे, 4/y। इसका जो रिजल्टेंट है ये क्या है, ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, कितना एंगल पे देख रहा है, 30 डिग्री एंगल वर्टिकल से देख रहा है, मतलब ये है 30 डिग्री एंगल। 4 को ट्रांसपोज करके इस तरफ लेके आओ तो ये हो गया 4। हम लोग जानते हैं tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, 4 है परपेंडिकुलर, बेस है यहाँ पे y, tan 30 का वैल्यू है 1/√3, ठीक है। सो y इक्वल टू हो गया 4√3, x का भी वैल्यू हो गया यहाँ पे 8, y का वैल्यू हो गया 4√3। सो वेलोसिटी ऑफ रेन कितना हो गया यहाँ पे, 8i माइनस 4√3j, ठीक है ना। अभी एंगल निकालना है, एंगल कैसे निकालेंगे देखो, 8 इस तरफ और नीचे की तरफ 4√3, ये अगर रिजल्टेंट हुआ तो वर्टिकल का साथ कितना एंगल करेगा, थीटा एंगल, 8 को ट्रांसपोज करके इस तरफ लेके आओ तो कितना हो गया, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब 2/√3। सो थीटा इक्वल टू हो गया tan इनवर्स 2/√3 हो गया। यहाँ पे देखो ये वाला जो प्रॉब्लम है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बारिश गिर रहा है 37 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, ठीक है। बारिश का स्पीड कितना है, 30 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे एक तो इंक्लाइंड प्लेन है, राहुल बाइक चला रहा है 50 किलोमीटर पर आवर पे, पीछे कौन बैठा है, संजना बैठा है, तो संजना कितने एंगल पे छतरी पकड़ने से राहुल नहीं भीगेगा, ठीक है। तो कैसे करके करना है, सबसे पहले जब भी कोई भी एंगल रहेगा फिजिक्स का, कोई भी प्रॉब्लम पे एंगल रहता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसको कंपोनेंट में तोड़ डालते हैं। तो यहाँ पे देखो ये हॉरिजॉन्टल, वेलोसिटी यहाँ पे कितना है 30, कितना एंगल है यहाँ पे 37 डिग्री है, तो कंपोनेंट में तोड़ो इसको, जिस तरफ एंगल है उस तरफ क्या होगा, कॉस थीटा, मतलब 30 कॉस 37 डिग्री, यहाँ पे क्या होगा 30 साइन 37 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले इसका वैल्यू निकाल लो, कॉस 37 का वैल्यू कितना है, 3/5, 18 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे कितना होगा 4/5, मतलब 24, ठीक है। ये क्या हो गया, रेन का वेलोसिटी निकल के आ गया, मतलब -24i -18j। अभी यहाँ पे जो बाइक चला रहा है, मतलब राहुल का वेलोसिटी निकालना है, तो कितना एंगल, 50 स्पीड से जा रहा है,
हॉरिजॉन्टल के साथ 53 डिग्री एंगल करके, तो कंपोनेंट में तोड़ो इसको, क्या हो गया ये 50 cos 53, और यहाँ पे क्या हो गया 50 sin 53 डिग्री। ठीक है, अभी देखो cos 53 का वैल्यू कितना होगा, 3/5 मतलब 30, और यहाँ पे क्या होगा 4/5 मतलब 40। तो यहाँ पे देखो वेलोसिटी ऑफ मैन कितना हो गया, मतलब राहुल का 30i - 40j। ठीक है ना, तो क्या निकालना है, वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन मतलब राहुल, Vr - Vm। Vr क्या है यहाँ पे -24i - 18j, माइनस Vm कितना है 30i - 40j, तो टोटल कितना हो गया यहाँ पे -24i - 18j -30i + 40j, टोटल निकल के आ रहा है यहाँ पे -54i + 22j। ये क्या हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। ठीक है, अभी हमको यहाँ से एंगल निकालना है, तो देखो एंगल कैसे निकालेंगे, पहले इसको लिख लो, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, यहाँ पे देखो वी आर एम मतलब यही हमारा रिजल्टेंट, -54 इस तरफ, पे देखो कुछ गलत हो गया शायद, सॉरी यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ मैन होगा पॉजिटिव 40 ऊपर की तरफ है ना, तो ये हो गया माइनस, तो ये हो गया टोटल -58j। तो यहाँ पे देखो नेगेटिव -54 और पॉजिटिव कितना है नेगेटिव जे एक्सिस मतलब 58। रिजल्टेंट क्या होगा इस तरफ, मतलब यही है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। वर्टिकल कंपोनेंट के साथ लेना है थीटा, इसको ट्रांसपोज करके यहाँ पे लेके आओ, सो हो गया tan थीटा इक्वल टू 54/58 मतलब हो गया 27/29। सो थीटा इक्वल टू हो गया tan इनवर्स 27/29। ठीक है, तो इतना एंगल पे छतरी पकड़ने से राहुल नहीं भीगेगा, तो ये हो गया हमारा रेन मैन का प्रॉब्लम। ठीक है,